संवाददाता दिनेश जागी ने जलदाय मंत्री महेश जोशी से बातचीत की। इस दौरान जोशी ने बताया कि सरकार आमजन तक पानी पहुंचाने के लिए कितनी कोशिश कर रही है। साथ ही कहा कि वो चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो समय पर पूरा हो। और क्या कुछ महेश जोशी की ओर से कहा गया, सुनाते हैं आपको। सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल में सरकार की बड़ी बड़ी क्या उपलब्धियां रही और कितने वादे पूरे हुए और कितने अधूरे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान हर विभाग के कामकाज की पड़ताल कर रहा है। आज हम जानेंगे कि राजस्थान के जल जीवन मिशन के तहत कितने लोगों की प्यास बुझाई गई, जो महकमे से जुड़े वादे थे, घोषणाएं थी, वो कितनी पूरी हुई है। जलदाय मंत्री महेश जोशी मेरे साथ है, उनसे हम चर्चा करते हुए इन तमाम चीजों को जानेंगे। सर, पहले आपके हम श्रीमुख से जानना चाहेंगे कि आपके विभाग की क्या उपलब्धियां रही। देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो जल जीवन मिशन चल रहा है। आप जानते हैं कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से और पानी की उपलब्धता की दृष्टि से एक बड़ा ये कहना चाहिए कठिन स्थिति वाला राज्य है। 10% भूभाग पूरे देश का राजस्थान में आता है। पेयजल की स्थिति 1% की है। अकाल का और राजस्थान का चोली दामन का साथ रहा है। एक स्थिति थी, ये थी राजस्थान में कि कई जिले ऐसे थे जहाँ 8 साल का 10 साल का 15 साल का बच्चा 8 साल का 10 साल का 12 साल का बच्चा हो गया और उसने बारिश नहीं देखी थी। आज परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन आज भी पीने के पानी की दृष्टि से राजस्थान में परिस्थितियां विषम हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल प्रबंधन अच्छा कर सकें। जल को कोई पैदा नहीं कर सकता, जल तो जितना है उतना रहेगा। हमारी कोशिश है उसके अच्छे प्रबंधन की होती है, ठीक तरीके से जल पहुँचे, सहज तरीके से पहुँचे। हम जल का संग्रहण करें, हम जल को बचाएं, व्यर्थ उसको बहने से रोकें, हम जल को का संरक्षण करें और जो उपलब्धता है आम लोगों तक उस उपलब्धता को बढ़ाने की कोशिश करें। मैं विभाग की तरफ से विश्वास दिलाता हूं, हम इन जो उम्मीदें हैं प्रदेश की जनता की, उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। 3 साल में हमने कोशिश की है। आप जानते हैं करीब पौने दो साल कोरोना में चला गया, हमें जो काम करने का मौका मिला लगभग 1 साल मिला, और वो जो हम कार्य कर रहे थे बीच में उसमें कोरोना की परिस्थिति के कारण से थोड़ा अवरोध आया। हालांकि शानदार कोरोना प्रबंधन करते हुए मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने विकास संबंधी सारी जो योजनाएं हैं उनको कमजोर नहीं होने दिया, बढ़ चढ़कर हजारों करोड़ रुपए के विकास के काम कराए। कल भी हम 13,000 करोड़ से अधिक के कामों का शिलान्यास कर रहे हैं। इससे पहले कई हजार करोड़ रुपए के काम शहरों में कराए हैं, गांवों में कराए हैं। कुल मिला के स्थिति यह है, इन विपरीत परिस्थितियों में, प्राकृतिक परिस्थितियां विपरीत और ये फिर महामारी वाली परिस्थिति विपरीत, उसके बावजूद हमने राजस्थान की जनता की भावनाओं को पूरा करने में कोई कमी नहीं उठा रखी है। जल जीवन मिशन का आपने जिक्र किया, जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि 80 लाख परिवारों को हम कनेक्शन दे सकें, हर घर कनेक्शन दे सकें। जब ये जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तब 11 लाख परिवारों के पास में कनेक्शन थे, हमने 10 लाख कनेक्शन और दिए हैं। इस चालू वित्तीय वर्ष है इसमें हमारा टारगेट 30 लाख कनेक्शन हर घर देने का है। उन 30 लाख में से 24 लाख के कार्यदेश जारी हो चुके हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितने बचे हुए जो कार्यदेश हैं उनको भी हम यथासंभव जारी कर सकें, और जो लक्ष्य प्राप्ति की जो हमारी हमारी जो स्पीड है उस स्पीड को हम कम नहीं होने दें बल्कि बढ़ाएं, जिससे जो चालू वित्तीय वर्ष में हमने जो लक्ष्य रखा है वो पूरा करें और आगे आने वाले समय में हम जो शेष बचे हुए जो कनेक्शन है उन कनेक्शनों को भी देकर जनता की प्यास बुझा सकें। मैं जी, वैसे तो आप पूरे राज्य के जलदाय मंत्री है, लेकिन खुशी की बात है कि आप जयपुर शहर से आते हैं। पृथ्वीराज नगर का इलाका और राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहाँ आपने पढ़ाई की, सियासत की, और पूरी विधानसभा यानी जयपुर की एक बड़ी आबादी है, राजधानी है, उसकी जो बिसलपुर से पानी की सप्लाई है, ये सब आपके मंत्री रहते हुए होंगे। अब जाहिर सी बात है आपका पर्सनल भी रहेगा कि आप समय पर ये काम हो, तो किस तरह इन तीनों चीज़ों को देखते हैं और क्या बजट है इसका? देखिए, निश्चित रूप से आदमी जहाँ का होता है वहाँ के लोगों को ज़्यादा अपेक्षाएँ होती हैं। जयपुर के लोगों को भी अपेक्षाएँ हैं, लंबे समय के बाद में जयपुर का कोई जनप्रतिनिधि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बना है जो प्यास बुझाने में अपनी पूरी ताकत लगाएगा जयपुर की जनता की, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने पहले 165 करोड़ की योजना मंजूर कराई, उसके बाद में बिसलपुर परियोजना का स्टेज सेकंड के फेज फर्स्ट
उसके लिए हमने 288 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं, मंजूर किए हैं सरकार ने। पृथ्वीराज नगर को बीसलपुर का पेयजल मिल सके इसके लिए 295 करोड़ की योजना बनाई है, और हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो इसका टारगेटेड जो समय है 2022 का, हम 2022 के इस टारगेटेड समय से पहले इन योजनाओं को पूरा कर सकें। नहीं तो टारगेटेड जो समय है, उस जो तय सीमा है, उसमें तो हम पूरा इसको करेंगे ही करेंगे। मेरा जोर एक तो समयबद्ध तरीके से योजना परियोजनाओं को पूरा कराने का है, दूसरा साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि काम की गुणवत्ता और जो पेयजल है उसकी शुद्धता की गुणवत्ता। बिल्कुल, महेश जोशी जी ने एक अच्छी बात की, क्योंकि जलदाय विभाग से जुड़ी कई लंबी योजनाएं होती है, वृहद योजनाएं, वो समय पर पूरी हो ताकि उससे एक जो डिपार्टमेंट का पैसा है उसका मिसयूज नहीं हो और लोगों को भी उससे समय पर फायदा मिलेगा। अगर इसी सोच के साथ अच्छा काम करते हैं तो यकीन 2 साल में जो बचा हुआ कार्यकाल में उसमें विभाग चहुंमुखी विकास करेगा। कैमरा पर्सन तनुज के साथ दिनेश। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।